सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले कुछ इस टाइप का पिक्सार्ट रियल सीबी एडिटिंग। सो आप लोग गाइस स्क्रीन पर देख ही सकते हो मेरा फोटो, ठीक है? हम ब्लैक टोन में करने वाले, ठीक है गाइस? यहाँ पर देख सकते हो डार्क एकदम पूरा ब्लैक। तो आप लोग गाइस वीडियो को फुल वॉच करना है, आप लोग गाइस चैनल पर नए हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज हमारा ये सिंपल फोटो, ठीक है, इसी फोटो को हम एडिट किए हुए हैं। तो इस फोटो को गाइज हम करेंगे कि अपनी सिंपल सी फोटो यहाँ से हम शेयर करेंगे अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। तो ये रहा, तो गाइज शेयर कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइज करने के हैं टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसका डिटेल को बढ़ा लेंगे, ठीक है गाइज। यहाँ पर इसको डिटेल इस पर टैप करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे, ठीक है, 50 के आसपास। इनका शार्पिंग को भी 25 रखेंगे, 25 रखना है, ठीक है। यस करेंगे डन। उसके बाद आप लोग गाइज फेस टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्टिव पे एंड गाइज अपनी फेस पे स्टेप से ला के इसको छोड़ देना है कहीं पे भी फेस पे, ठीक है। एंड फेस का हल्का सा ब्राइटनेस जो है इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है गाइज। एंड इसका स्ट्रक्चर को बढ़ा लेंगे, यस करेंगे गाइज डन। थोड़ा सा गाइज चेंजिंग आ गया फोटो में। इसके बाद आप लोग गाइज यहाँ से फोटो को हम शेयर करेंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम शेयर कर देते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग का इस वीडियो को फुल वॉच करना एंड आप लोग स्किप करके नहीं देखना, ठीक है, तभी आप लोग मेरी तरह एडिटिंग कर पाओगे, नहीं तो भाई नहीं कर पाओगे मेरी तरह, ठीक है। वीडियो को छोड़ के मत जाना आप लोग, ठीक है मेरे भाई। तो फ्रेंड आ गए अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आप लोग का गाइस करना क्या, देखिए गाइस नीचे लाइट है ना, लाइट पे क्लिक करेंगे जरा लाइट। उसके बाद आप लोग का गाइस का कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, ठीक है, 20 रखना है आप लोग को। इसका हाईलाइट को पूरा माइनस इस टाइप से डिक्रीज करना है एंड शैडो को बढ़ा लेंगे हल्का सा एंड वाइट को भी बढ़ा लेंगे एंड ब्लैक को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे, ठीक है फ्रेंड, इतना करना आप लोग को। उसके बाद आप लोग को गाइस कलर पे क्लिक करना है, नीचे जाना है, इसका वाइब्रेशन को बढ़ा लेंगे इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड, इतना आप लोग को बढ़ा लेना है। एंड ऊपर गाइस मिक्स पे क्लिक करेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, मिक्स पे क्लिक करना आप लोग को एंड गाइस ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड इसका सेचुरेशन पूरा माइनस करेंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे, इसका सेचुरेशन पूरा माइनस एंड इस पर क्लिक करेंगे, इसका सेचुरेशन हल्का सा कम करेंगे, ठीक है। एंड लेमनेस को बढ़ा लेंगे जिससे कि हमारा फेस जो है वाइट हो, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करेंगे, इसका पूरा सेचुरेशन माइनस, जिस देख सकते हो गाइस जो हमारा कपड़े का जो कलर है वो एकदम ब्लैक हो रहा है, ठीक है, हमको ब्लैक ही रखना है। इस टाइप से आप लोग को पूरे करना है, देख सकते हो गाइस, ठीक है। एंड इसको सिर्फ हल्का सा करना है गाइस, इसका लेंस को बढ़ा लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ से करना है डन एंड गाइस इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसके गाइस टेक्सचर को पूरा 100+ कर देंगे एंड क्लैरिटी को भी पूरा 100+ कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जितना करना है आप लोग को दोनों को, ठीक है। एंड चेंजिंग देख सकते काफ़ी एकदम बर्स मस्त लग रहा है, ठीक है। गेज को बढ़ा लेंगे, इसका विग्नेट को कम कर लेंगे, ठीक है, हल्का सा तो यहाँ रखना है। तो गाइस इतना करने के बाद आप लोग को फोटो को यहाँ से शेयर करना है अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो फाइनली गाइस हम आ गए पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आप लोग को गाइस करने के है यहाँ पर गाइस देख सकते हो इफेक्ट है, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो है आर्टिस्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है आप लोग को, ठीक है। आर्टिस्ट पर क्लिक करना है आप लोग गाइस, यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर फैटल वन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड फिर से इसी पर टैप करेंगे एंड इसका फेड को पूरा इधर माइनस करेंगे, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई पर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइस देखिए ऊपर एरिया जिस पर क्लिक करेंगे एंड फोटो गाइस करेंगे जूम एंड अपने इस पे से जो है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। एंड पूरे गाइस इस टाइप से सिर्फ फेस पे से आपको इसको रिमूव करना है, ठीक है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से आपको ओनली फॉर फेस पे से रिमूव करना है फोटो को जूम करके, ठीक है, इस टाइप से। एंड आप लोग आज वीडियो को फुल वॉच करो, ठीक है, तभी आप लोग सीख पाओगे मेरे भाई। तो गाइस रिमूव हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से कर लेते इसको डन, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद आप लोग गाइस करने का फिर से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइस एफएक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एफएक्स पे क्लिक करने में आप लोग गाइस ये देख सकते हो फर्स्ट में HDR है, इस पर क्लिक करेंगे एंड ऊपर इरेज वाले पर क्लिक करेंगे, फिर से इरेज वाले पर एंड अपने फेस पे इस टाइप से हल्के हल्के से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। सिर्फ गाइस फेस पे इसको चलाना है यानी इरेज कर रहे हैं, इस टाइप से आपको ओनली फॉर फेस पे इसको रिमूव करेंगे गाइस।
एंड उसके बाद यहाँ से फिर से गाइज इसको डन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आप लोग गाइज करना क्या है, फिर से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे गाइज, एंड ब्लर आप लोगों को गाइज इधर दिखाते हैं, देखिए तो गाइज ब्लर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट में जो ब्लर है इस पर फिर से क्लिक करेंगे, एंड ऊपर इरेज वाले पे क्लिक करेंगे, इधर आप लोग को इधर स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है, एंड बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। एंड इस पर क्लिक करने आप लोग गाइज रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से गाइज देखिए यहाँ पे जो ब्लर अप्लाई नहीं होता है इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको अप्लाई करना है इस टाइप से आपको रीस्टोर करके अप्लाई कर देना है गाइज। तो यहाँ पे अप्लाई नहीं किया तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं गाइज, ठीक है, एंड इसको यहाँ से डन करते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाए आप लोग गाइज करना क्या है, गैलरी से कुछ पीएनजी ऐड कर लेते हैं, ठीक है गाइज। तो दोस्तों गाइज ये दोनों पीएनजी, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप लोग गाइज इसको ऐड करने के लिए आप लोग करना क्या है, इस ब्लडिंग वाले पे क्लिक करके इसको स्किन कर देंगे, ठीक है, एंड इधर इसको लगा लेंगे, एंड इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी गाइज यहाँ से इसको स्किन ब्लडिंग पे क्लिक करके इसको स्किन कर देंगे, एंड यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, अपने हिसाब से। एंड उसके बाद आप लोग गाइज यहाँ से करना है डन, ठीक है फ्रेंड। एंड उसके बाद आप लोग गाइज देखो फेस जो है थोड़ा थोड़ा गाइज ब्लर लग रहा है, ठीक है, इसको शार्पिंग कैसे करेंगे तो आप लोग को बताते हैं। आप लोग गाइज टूल्स पे क्लिक करेंगे रिसाइज पे, एंड इसको गाइज यहाँ से पहले 28 कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। इतना करने के बाद आप लोग को फिर से गाइज यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, एंड एफएक्स वाले पे क्लिक करेंगे गाइज, ठीक है, एफएक्स पे क्लिक करेंगे, आप लोग गाइज यहाँ पे देख लो थर्ड नंबर पर शार्पिंग है, इस पर क्लिक करेंगे, शार्पिंग पे क्लिक करेंगे, आप लोग को इरेज पे जाना है, एंड यहाँ से देखो गाइज इधर सबसे लास्ट में इधर नीचे में देखो इन्वर्ट है ना, इन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओनली फॉर आपको गाइज फेस पे सबसे चलाना है। तो गाइज देखिए जो मतलब फेस जो है ब्लर है, यहाँ पे शार्पिंग हो रहा है एकदम सीधा से, ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ फेस पे करना है, ठीक है। एंड इसको यहाँ से गाइज इसका 50 कर देंगे, ठीक है, 50 शार्पिंग रखेंगे, मैं इसका थे डन। तो गाइज कंप्लीट हो गया इतना, उसके बाद आप लोग को फोटो गाइज यहाँ से सेव कर लेंगे, एंड फोटो गाइज यहाँ से हम शेयर करते हैं अपने ऑटोडेस्क स्केच के अंदर। तो फाइनली गाइज हम आ गए अपने ऑटोडेस्क स्केच के अंदर। उसके बाद आप लोग को गाइज करने का ऊपर लेयर वाले पे क्लिक करेंगे, एंड प्लस वाले पे, एंड यहाँ से गाइज एक ओवरले सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते ओवरले पर क्लिक करके इसको बैक करेंगे, एंड इस पर क्लिक करेंगे, एंड ऊपर जाना आप लोग को, ठीक है, एंड ये आप लोग को ब्रश सेलेक्ट करना है मीडियम ब्रश, ठीक है, एंड सेटिंग पे जाएंगे, साइज को थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है, एंड कलर को रखेंगे रेड जो लिप्स का गाइज कलर होता है, ठीक है, एंड फोटो गाइज करेंगे जूम, एंड अपने ऑटो पे चलाएंगे इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड। एंड फोटो गाइज करेंगे जूम आउट, एंड इसका गाइज ऑपेसिटी को कम कर लेंगे, ठीक है, 30 तक रखते हैं, एंड यहाँ से कर लेंगे गाइज मच, ठीक है। इतना हो जाएगा आप लोग गाइज करने के, फिर से इस वाले पे लेयर लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, एंड नीचे जाएंगे, एंड ये वाला ब्रश आप लोग को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है गाइज, एंड सेटिंग पे जाएंगे, एंड साइज को अपने हिसाब से रखना है, ठीक है, एंड इसको 4 रखेंगे, इसको 15-16 रख सकते हो, एंड फोटो गाइज करेंगे जूम, एंड अपने स्टेप से अपने फेस पे स्टेप से ड्रॉ करेंगे, जो हमारा फेस जो है स्मूथ हो रहा है आप लोग गाइज देख ही सकते हो, ठीक है, एकदम से धीरे धीरे आप लोग को इसको स्मूथ करना है, एंड हमारा गाइज जो फोटो जो काफ़ी दिखने में मस्त लगेगा, हार्ड फोटो लगेगा, जो गाइज अभी जो हम एडिट किए इसको गाइज बोलते हैं पिक्सआर्ट रियल सीवी एडिटिंग, ठीक है, ये रियल सीवी एडिटिंग हुआ गाइज, एंड इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा करके पूरे फेस पे इसको चलाएंगे, ठीक है। तो मैं गाइज मैं थोड़ा सा वीडियो कर लेता हूँ फास्ट, तो फाइन लगेगा तुम्हारे फेस जो है हो गए, ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ दिया गाइज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग गाइज करने का फोटो को यहाँ से शेयर करना है अपने गूगल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है गाइज। तो गाइज आ गए अपने टूल वेज एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद आप लोग गाइज करने के यहाँ पे गाइज देखो इफेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, एंड सॉफ्ट स्मूथ पे यहाँ पे देख सो सॉफ्ट स्मूथ इस पर क्लिक करके आप लोग गाइज यहाँ से 5 नंबर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, एंड मार्क्स पे, एंड इसको गाइज यहाँ से क्लीन कर देंगे, एंड अपने गाइज हेयर पे स्टेप से चलाएंगे, एंड अपने कपड़ों पे भी, ठीक है, जो गाइज हमारा फोटो दिखने में काफ़ी गाइज मस्त हार्ड लगेगा, इसको गाइज हम ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हेयर को एंड कपड़े को, एंड इसको यहाँ करते हैं डन, एंड फोटो गाइज यहाँ से हम कर लेंगे सेव,
तो गाइज मैं जो भी गाइज वीडियो बना रहा हूँ वो भी गाइज मैं एकदम रियल बताता हूँ, ठीक है, फेक वीडियो नहीं बताता हूँ। तो आप लोग गाइज कमेंट करके बताओ फोटो गाइज कैसा बना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।